हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक और बिल्कुल नया जो है जाली का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, सिर्फ चार सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, फोर रोज़ का रिपीट पैटर्न है। फर्स्ट रो जो है हमारी फ्रंट साइड पे आएगी और फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। तो फ्रंट साइड पे हम शुरू करेंगे इस पैटर्न को बनाना बॉर्डर बनाने के बाद। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखने हमने फंदे जो है तीन के मल्टीपल में लेने हैं सारे के सारे, और सारे के सारे फंदे जो हैं तीन के मल्टीपल में ही लगने हैं। और चलिए अब इसे शुरू करते हैं बनाना। बहुत ही आसान ये पैटर्न है और फटाफट से जल्दी से बनने वाला डिज़ाइन है। तो इसके लिए देखिए, रो वन हम किस तरह से बनाएंगे। रो वन बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने कहा तीन फंदों का डिज़ाइन है, तो हर तीन फंदों को हम किस तरह से बनाएंगे रो वन पे। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने दूसरा और तीसरा फंदा ये इस तरह से इकट्ठा बुनने हैं, और इकट्ठा बुनने के बाद जो ये हमारा इस तरह से फंदा निकलेगा, ये जो हमारा फंदा बनेगा इसे हमने थोड़ा सा खींच लेना है, हल्का सा लूज रखना है। और इन दो फंदों को अभी हमने नहीं छोड़ना है, अभी हमने एक और बार इन्हें बुनना है ये इस तरह से, और इस बार हम तीसरे वाले फंदे को भी ले लेंगे। तो ये भी हमने तीन फंदे जो हैं अब हमने साथ में इस तरह से बुन के एक लूप और निकाल लेना है ये इस तरह से, और इसे भी थोड़ा सा लूज रख लेंगे। तो अब देखिए, तीन फंदों का हमने यहाँ पर तीन फंदों के दो फंदे बनाए हैं। तो अब हम तीसरा फंदा किस तरह से बनाएंगे जाली डाल के। तो इस तरह से हमारी एक जाली यहाँ पर डलेगी और इस तरह से तीन फंदों के वापस तीन फंदे आ जाएंगे। तो अब हर तीन फंदे हमने इसी तरह से बनाने हैं। तो देखिए, दो फंदे हम इस तरह से बनाएंगे, पहले सिलाई जो है इस तरह से डालते हुए, ये दो फंदे साथ में बुनने हैं। फिर उसके बाद उसके आगे वाला फंदा भी नेक्स्ट टाइम साथ में ले लेंगे, और तीन फंदों को साथ में बुन के दो फंदे इस तरह से बनाएंगे और हल्का लूज रखेंगे। तो इसके बाद जाली डाल लेंगे इस तरह से। अब यही तीन फंदे हमने रिपीट करते जाना है, दो फंदों को साथ में बुनेंगे ऐसे, दो फंदों को साथ में बुना, लूप को लूज कर लिया, दो फंदों के साथ इस पर तीसरा फंदा भी ले लेंगे, तीनों को साथ में इस तरह से बुनेंगे, और ये जो लूप निकलेगा इसे हमने हल्का लूज कर लेना है, जाली डाल लेनी है। तो ये देखिए, इसी तरह से आप फिर से करते जाएंगे और ये फंदे जो हैं हम रिपीट करते जाएंगे। दो फंदों को साथ में बुन के लूप निकालेंगे, फिर दो के साथ इस दूसरी बार तीसरा फंदा भी ले लेंगे, और उसमें से भी एक लूप निकाल के दूसरा फंदा बना लेंगे, और तीसरा फंदा जो है हम इस तरह से धागे को आगे करके जाली डाल लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए, दो फंदों को साथ में बुनेंगे, फिर तीन फंदे साथ में बुनेंगे इस तरह, फिर छोड़ देंगे और फिर जाली डाल लेंगे। तो ये अब हमने फटाफट से इस तरह से बना लेने हैं, दो फंदों में से लूप निकालेंगे, फिर उन तीन फंदों में से लूप निकालेंगे और जाली डाल लेंगे। बहुत ही प्यारी जो जाली का जाली बनती है इस तरह से बनाने पर। अभी ये फर्स्ट रो है, बाकी तीन रो इसके बाद बताती हूँ किस तरह से बनानी है। दो फंदे साथ में बुन के लूप निकाला, फिर तीन फंदे साथ में सीधा बुन के बैक लूप से इस तरह से दूसरा लूप उठाएंगे और फिर जाली डाल लेंगे। एक और ये दूसरा लूप और ये जाली,
ये इस तरह से, और अब तीन फंदों को साथ में बुनेंगे और ये लूप हम निकाल लेंगे और जाली डालेंगे। लास्ट में हमारे पास दो फंदे रह जाएंगे, दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है। इस तरह से हम जो है रो वन ये कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे के सारे तीन फंदे जो हैं सर से बनाने हैं। अब देखिए रो टू जो है रॉन्ग साइड पे, वो हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं हम इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो रो टू हमारी सिंपल है, सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। रो टू पे हमने खास कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा बना के रो टू हम कंप्लीट कर लेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं ये भी देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बनते जाएंगे इस तरह से। अगर आपको जाली का डिज़ाइन बड़ा चाहिए तो आप हाथ अपना लूज रखिए और जो लूप्स निकालते हैं वो थोड़ा सा और लूज कर सकते हैं। अगर आपको जाली वाला डिज़ाइन छोटा चाहिए तो अपना हाथ आप टाइट रख सकते हैं। तो ये दो रोज जो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं और इसके बाद देखिए ये जाली हमारी जो है ये इस तरह से पड़ी है। अब देखिए रो थ्री हम फ्रंट साइड पे आके क्या करेंगे, पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमने नेक्स्ट वाला फंदा सीधा बना लेना है ऐसे। अब यहाँ पे हम जाली पहले डालेंगे, तो यहाँ पे जाली हम पहले डालेंगे और अब जाली डालने के बाद दो फंदे हमने इस तरह से साथ में बुन के लूप निकालना है ऐसे, लूज कर लेंगे और फिर इन्हीं दो फंदों से हम तीसरा फंदा भी इस तरह से ले लेंगे और लूप निकाल लेंगे, फंदा बना लेंगे। तो ये देखिए अब हमने जाली पहले डाली है, तो इन दो फंदों को छोड़ दीजिए, इस बार दो फंदे हमारे आगे साइड में। और ये तीन फंदे जैसे बनाए हैं अब हमने वैसे ही सारे तीन फंदे बनाने हैं। पहले जाली डालनी है, उसके बाद दो फंदे सिलाई पर लेने हैं इस तरह से और इन्हें साथ में बुन के हमने इस तरह से लूप निकाल लेना है। फिर इस तरह से दोबारा सिलाई डालेंगे और तीन फंदों को अब साथ में बुन लेंगे और लूप निकाल लेंगे, हल्का सा लूज रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब जाली दो फंदे साथ में और दूसरी बार तीन फंदे साथ में बुनेंगे इस तरह से। जाली डालेंगे, दो फंदे साथ में बुनेंगे, फिर तीन फंदे हम साथ में बुन लेंगे, सीधे सीधे बुनेंगे सीधी साइड पे। ये इस तरह से जाली डाल लेंगे, दो फंदे साथ में बुनेंगे। दो फंदे साथ में बुनने के बाद अब तीन फंदे साथ में बुनेंगे, तो सेम जैसे रो वन पे किया है हमने। जाली डालने के बाद पहले दो फंदे साथ में बुनेंगे, फिर तीन फंदे साथ में बुनेंगे और इसी तरह से हमने सारे तीन तीन फंदे जो हैं वो रो थ्री में भी बुनते जाना है। तो देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। जाली डालेंगे, दो फंदे ये ऐसे, फिर तीन फंदे ऐसे सीधे सीधे बुनते जाएंगे, लूप निकालते जाएंगे।
इस तरह से। तो तीन फंदों के हमारे पास तीन फंदे वापस आते जाएंगे, जाली डालेंगे, फिर दो फंदे, फिर तीन फंदे साथ में बुनेंगे ऐसे, जाली, ये दो फंदे साथ में और उसके बाद तीन फंदे साथ में बुनेंगे। ये इस तरह से, और लास्ट में हमारे पास एक ही फंदा रह जाएगा, उसे हमने सीधा ही बुन लेना है। तो ये देखिए इस तरह से तीन रोज़ के बाद ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनेगा। और अब आते हैं रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड पे रो फोर बनाएंगे। अब रो फोर देखिए, हमने रो टू को रिपीट करके बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक एक करके जो हैं सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो रो टू और रो फोर पे हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रो फोर कंप्लीट कर ली है और अब हम इन्हीं चार रोज को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो अब मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा और बना लेती हूँ। तो ये रो फोर के बाद देखिए ये जाली वाला डिज़ाइन जो है इस तरह से पड़ता जाएगा, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बुन लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है वो हम ये डिज़ाइन अगर रिपीट करते जाएंगे ऊपर ऊपर, तो ये हमारा जाली वाला जो डिज़ाइन है वो इस तरह से पड़ता जाएगा। और अगर जैसे कि यहाँ पे जो है मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट था, इसलिए थोड़ी ये जाली वाला जो है डिज़ाइन थोड़ा सा मतलब खुल के जालियाँ नहीं पड़ी हैं। अगर आपको बड़ी जालियाँ चाहिए मान लीजिए इस तरह से, तो जो आप लूप उठाते हैं दो या तीन फंदों को इकट्ठा बुन के, तो वो वहाँ पर जो है लूप्स आपने थोड़े से लंबे खींचने हैं। हाथ थोड़ा लूज़ रखना है इस बुनाई को करते हुए। अगर आप लूज़ नहीं भी रखते हैं, जिस तरह से मेरे थोड़ा सा टाइट हाथों से बना है, तो ये देखिए इस तरह से भी जो ये पैटर्न है ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जाली वाला डिज़ाइन है, आप अपने प्रोजेक्ट्स पर इसको बड़े आसानी से डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।